वेलकम टू केएस एकेडमी। सो आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग बेसिकली जो मोबाइल कंप्यूटिंग है, लगभग इसमें जितने भी टॉपिक हैं लास्ट सेम के वायरलेस कम्युनिकेशन के जैसे होंगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत लगभग काफी हद तक इसमें चीजें कोरिलेट करनी शुरू कर दी। क्यों वो मैं बताऊंगा, क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशन है मोबाइल कम्युनिकेशन की वो ये है कि इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ ट्रांसमिशन। ये टेक्नोलॉजी जो अलाउ करती है ट्रांसमिशन डाटा वॉइस और वीडियो का वाया कंप्यूटर और एनी वायरलेस डिवाइस, या तो कंप्यूटर के थ्रू या कोई भी वायरलेस डिवाइस के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन ऑफ डाटा वॉइस एंड वीडियो थ्रू एनी वायरलेस डिवाइस इज मोबाइल कंप्यूटिंग, ठीक है। थ्रू एनी डिवाइसेस इज योर मोबाइल कंप्यूटिंग। अगर इसमें कुछ डिवाइसेस की नाम डस्टर किधर गया, अच्छा अभी मेरे को डस्टर याद नहीं किधर रखा है। सो अब अगर इसमें हम कुछ डिवाइसेस के नाम की बात करें, डिवाइसेस की बात करें तो कुछ हम एग्जांपल ले सकते हैं। पीडीए सबने सुना होगा, स्मार्टफोन्स जिसके थ्रू हम वॉइस डाटा सारा कुछ ट्रांसफर करते हैं। पीडीए क्या है? पीडीए एक हम डेली का वर्कआउट के हमें क्या क्या काम करने हैं, कुछ इस तरह का मैनेजमेंट का काम करना, ये सारी चीजें पीडीए के अंदर आते हैं। टैबलेट भी एक एग्जाम्पल है। देन पीसी कंप्यूटर्स, देन आईपैड्स, ये सारे जो एग्जाम्पल है मोबाइल कंप्यूटिंग के डिवाइसेस के, ठीक है। बेसिकली ये इसकी सर्विस क्या थी, इसकी एबिलिटी टू यूज टेक्नोलॉजी वायरलेसली। सर्विस में क्या लिखूं कि ये एक टेक्नोलॉजी दैट यूजेस सर्विसेस वायरलेसली सर्विसेस प्रोवाइड करना टू कनेक्ट वेरियस कम्युनिकेशन डिवाइसेस इज योर मोबाइल कंप्यूटिंग अब इसमें कुछ टर्म्स जो काफी अच्छे अच्छे हैं उसकी बात कर लेते। सो उसके हम बात अगली प्रेजेंटेशन में करेंगे। वो टर्म है जो दैट इज सेलुलर कंसेप्ट्स, इसके कुछ कंसेप्ट्स है उसकी बात करेंगे, ठीक है। सेलुलर कंसेप्ट्स, इस टर्म में क्या क्या चीजें आएगी, जैसे सेल्स क्या है, क्लस्टर क्या है, सेल्स क्या है, क्लस्टर क्या है। देन हमने लास्ट टाइम एक चीज पढ़ी थी कि सेल का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, है ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। कुछ इस वे में हमने स्ट्रक्चर इसका सेल का पढ़ा था लास्ट टाइम। सो इसमें हम देख रहे हैं कि सबका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, तो इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल क्यों है, वाई हेक्सागोनल, ये चीज भी हम देखेंगे कि इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्यों है। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, शेप ऑफ सेल हमारा जो है हेक्सागोनल क्यों है। देन हम पढ़ेंगे को चैनल सेल क्या है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे को चैनल सेल हो गया, इंटरफ्रेंस थोड़ा पढ़ेंगे कि इंटरफ्रेंस का एक पॉइंट थोड़ा बताएंगे। देन हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कुछ बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं हम किसी भी इसकी, है ना। सो उसकी हम बात करेंगे, और क्या बात करेंगे इसी से रिलेटेड थोड़ी की बातें हम करेंगे, काफी और बातें करेंगे जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, रेले फेडिंग क्या, डॉपलर इफेक्ट क्या, ये सब बातें हम करते जाएंगे, ठीक है। सो अगली प्रेजेंटेशन में मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।